एक बार एक रावण सभी देवताओं को जीत कर अहंकारी हो गया था। उसने संध्या कर रहे बलशाली बलि को पीछे से जकड़ लिया। बलशाली बलि रावण को अपनी काख में दबाए आकाश मार्ग से किष्किंधापुरी ले आया। उस बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए दे दिया। ऐसी हालत देख रावण को सभी प्रजा उस पर हंस रहे थे। उसका अहंकार चूर हो गया था। रावण ने अपने नाना पुलस्त्यर को स्मरण किया। अपनी नाती की यह दशा देख मुनि बड़े दुखी हुए। उन्होंने स्मरण का कारण पूछा। रावण ने कहा, यह हालत मेरे अहंकार की वजह से हुई है। आप मेरी रक्षा करें, मैं रस्सी से बंधे होने के कारण शक्तिहीन हूँ। पुलस्त्य मुनि ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बंधन मुक्त कर दूंगा। यह बलि राजा देवता इंद्र के वीर से उत्पन्न हुए हैं। यह तुम्हारे बल से ज्यादा बलशाली है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों होगी। हे राक्षस राज, यदि तुम बलि के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करो। बहुत जल्दी ही तुम्हारा क्लेश दूर हो जाएगा। इस प्रकार आदेश देकर महर्षि वन से चले गए। इधर रावण ने व्रत का अनुष्ठान किया। इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन रहित हो गया और सुख पूर्वक अपने राज्य में राज करने लगा।